हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अंडर 30 रुपीज मेकअप चैलेंज। तो आज मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, वो सभी प्रोडक्ट्स आप मुझे 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के प्राइस में मिल गए थे। तो मैंने उन्हीं की हेल्प से आज ये मेकअप लुक किया है। तो चलिए देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ फेयर एंड लवली, और ये 20 रुपीज़ की है। 10 या 5 रुपीज़ वाले पाउच मुझे यहाँ नहीं मिले थे। तो ये क्रीम आपको शुरुआत में तो ऐसा लगता है काफ़ी क्रीमी है, लेकिन ये 2 मिनट बाद ही ड्राई होने लगती है। और कवरेज आप देख ही सकते हैं, ठीक ठाक है। बस 20 रुपीज़ की क्रीम में क्या कवरेज की उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं ये जो आपको पाउडर दिखा रही हूँ, ये टैल्कम पाउडर सिर्फ 10 रुपीज़ का है, और इसे मैं एक पफ की हेल्प से अपने पूरे फेस पर लगाते हुए क्रीम को सेट कर लूँगी। और ये मार्स का आईलाइनर है, ये मुझे यहाँ पर 20 रुपीज़ का मिल गया था। और इसकी हेल्प से मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आईलाइनर लगा रही हूँ, और मैं एक स्मोकी आई लुक क्रिएट करूँगी इस लाइनर की हेल्प से। और मैं इसे थोड़ा थोड़ा लगाते हुए ब्लेंड करूँगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे एक बार और लगा लिया है और एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ताकि मेरी आईज में जो स्मोकी लुक है वो अच्छा सा नजर आए। और इसे ब्लेंड कर लूंगी। और ये है शिमर पाउडर, ये मुझे 30 रुपीज़ के प्राइस में लोकल मार्केट से मिल गया था। तो मैं इसे फिंगर की हेल्प से लगा लूँगी। पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है वैसे, 30 रुपीज़ के प्राइस में आपको इतनी अच्छी पिगमेंटेशन आई डोंट नो मिल जाती है या नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही परचेज़ किया है इसे। और इसे ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पर ये गोल्डन कलर का आई लाइनर ले रही हूँ, ये मुझे 20 रुपीज़ के प्राइस में मिल गया था। ज़्यादातर जो मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के ही प्राइस में हैं, या फिर 10 रुपीज़ के प्राइस में है। मैं इसे आई लाइनर की तरह लगा रही हूँ गोल्डन कलर को। और अब मैं इसी आईलाइनर को काजल की तरह लगा लूंगी। और अब मैं यहाँ पर ये मस्कारा ले रही हूँ, ये मस्कारा है 30 रुपीज़ के प्राइस में मिल गया था। और ये वाटरप्रूफ तो नहीं है, बट 30 रुपीज़ के प्राइस में आपको वाटरप्रूफ मिलेगा भी नहीं। और मस्कारा भी कुछ खास नहीं है, बस मुझे मेकअप लुक क्रिएट करना था तो मैं परचेज़ किया है मैंने। और ये एक ब्राउन कलर की पेंसिल है मेरे पास, इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। काफ़ी अच्छी क्रीमी पेंसिल है, क्योंकि कंटूरिंग स्टिक या कोई कंटूरिंग पैलेट तो आपको नहीं मिलता है 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के प्राइस में। तो मैं ये पेंसिल की हेल्प से ही अपने फेस को कंटूर कर लूँगी, और मैं इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। और अब ये ADS की लिपस्टिक है, ये भी मुझे 30 रुपीज़ के प्राइस में मिल गई थी, और इसकी हेल्प से मैं ब्लश लगा लूँगी। और अब मैं यही शिमर पाउडर जो कि मैंने अपनी आईलिड पर लगाया था, मैं इसी से अपना हाइलाइटर लगाऊंगी। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगे हों, ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और गाइज, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी स्किन केयर, हेयर केयर, DIY और भी हेल्पफुल मेकअप लुक शेयर किए हुए हैं, तो आप एक बार ज़रूर मेरी वीडियो की लिस्ट को चेक कर लीजिएगा।
और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये पिंक कलर की लिप लाइनर से अपने लिपस्टिक को लगा लूँगी। और ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसे मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और सभी फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।